हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कर गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लैंडिंग पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है आखिर लैंडिंग पेज किस तरीके से अलग है वेबसाइट से सो so गाइज इसकी जरूरत क्यों पड़ती है देखो कई बार आपके सामने भी ऐसे क्वेश्चन आते होंगे बहुत बार क्लाइंट्स भी पूछते हैं ये चीज कि हमारे पास एक वेबसाइट तो है हमने एक वेबसाइट तो बना ली अब हम एड्स रन करना चाहते हैं या हम पेड कैंप रन करना चाहते हैं या कुछ स्पेसिफिक हमारे गोल्स है वो चीज हम अचीव करना चाहते हैं लीड जनरेट करना चाहते हैं तो क्या हमें लैंडिंग पेज की जरूरत है क्या हमें डेवलपर से लैंडिंग पेज चाहिए किसी लैंडिंग लैंडिंग पेज पेज से हम बना सकते सकते हैं आप किस तरीके से हम लैंडिंग पेज बना से? तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने भी आते होंगे तो अब अगर हमें डिफरेंस नहीं पता है इसमें इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें जरूरत है या नहीं है या हमें उसकी तरफ जाना चाहिए लैंडिंग पेज की तरफ या हमारा वेबसाइट से काम चल जाएगा ये इस चीज के सोल्यूशन पे आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होगा कि आखिर लैंडिंग पेज और वेबसाइट में फर्क क्या होता है वेबसाइट तो आपने बहुत सारी ही देखी होंगी लैंडिंग पेज भी बहुत ही देखे होंगे बट मैं आपको कुछ मेजर डिफरेंसेस बता देता हूं ये डिफरेंसेस आपको बाद में लैंडिंग पेज बिल्ड करने में भी हेल्प करने वाले हैं राइट अगर आपको क्लियरली पता होगा कि लैंडिंग पेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है तो जब आप उसको बनाने जाएंगे तब भी आपको हेल्प करेंगे सो so गाइज अगर यहां पर आप देखें सबसे पहले जो यहां पर आप देख रहे हैं वो पॉइंट लिखा हुआ है अ वेबसाइट बेसिकली कंटेंस मल्टीपल वेब पेजेस अगर आप यहां पर देखेंगे जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है वेबसाइट बेसिकली कंटेन्स मल्टीपल वेब पेजेस वहीं पर लैंडिंग पेज में क्या होता है इट्स बेसिकली स्टैंड अलोन वेब पेज एक सिंपल वेब पेज होता है यहां पर क्या होगा वेबसाइट क्या होगी मल्टीपल वेब पेजेस होंगे भाई होम पेज होगा अबाउट होगा कॉन्टेक्ट होगा सर्विस ट्रेनिंग अगर आप, आप हमारे डब्ल्यू स्किफ्ट की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे हेडर में ऊपर बहुत सारे जो है आपको लिंक्स दिखेंगे और वो सारे अलग अलग पेजेस के ऊपर जाते हैं तो वेबसाइट पे क्या होता है कि अगर आप इसको और आसान लैंग्वेज में समझना चाहें तो बेसिकली वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ और मोर मल्टीपल वेब पेजेस राइट बेसिक एक अगर हम पैरामीटर माने तो पांच या अगर उससे ज्यादा वेब पेजेस हैं तो हम बोलेंगे इट्स बेसिकली इट्सली वेबसाइट वहीं पर लैंडिंग पेज क्या होता है लैंडिंग पेज में एक केवल सिंगल वेब पेज होगा वेबसाइट का पर्पस क्या होता है वेबसाइट का जो मोस्ट ज्यादातर जो मेजर पर्पस होता है या जो एक एक मेन अगर हम कहें मेन पर्पस क्या है दैट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वेबसाइट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना यानी कि इन्फॉर्मेशनल कंटेंट टाइप की अगर हम बात करें तो वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशनल कंटेंट टाइप होता है वहीं पर अगर हम लैंडिंग पेज की बात करें देन ऑन लैंडिंग पेज कंटेंट इज मोस्टली ट्रांजैक्शनल विच फोक अराउंड कॉल टू एक्शन डिजाइन टू अ स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल अब ये लाइन जो आप देख रहे हो यहां पर यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लैंडिंग पेज का जो कॉन्टेंट होता है वो बेसिकली ट्रांजेक्शनल पर्पज के लिए होता है यानी जो भी विजिटर आ रहा है आप उससे कोई ना कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं थ्रू अ कॉल टू एक्शन वो एक्टिविटी अलग अलग तरीके की हो सकती है वो भी हम लोग समझ लेंगे बट इट इज बेसिकली डिजाइन टू मार्केटिंग गोल किसी एक तो स्पेसिफिक वो लीड जनरेशन हो सकता है तो लीड जनरेशन का लैंडिंग पेज होगा राइट लीड जनरेशन के लिए लैंडिंग पेज होगा सेल होगा तो सेल के लिए लैंडिंग पेज होगा अब सेल हमारे पास प्रोडक्ट है सर्विस है तो उसके अकॉर्डिंग लैंडिंग पेज होगा वेबसाइट के ऊपर क्या होगा वेबसाइट एक सिंगल वेब पेज नहीं होता है तो वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लिंक्स होते हैं वेबसाइट अलग अलग वेब पेजेस का कलेक्शन है तो वेबसाइट के ऊपर आप इंफॉर्मेशन डालते हो इट्स बेसिकली इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है वेबसाइट के ऊपर और वहीं लैंडिंग पेज के ऊपर अगर आप देखोगे तो ट्रांजैक्शनल कंटेंट होता है जहां से आप मतलब कुछ कन्वर्शन वगैरह करवा सकते हो या जो चीजें आपको फायदा दे सकती हैं देन हम बात करें वेबसाइट की डिस्ट्रेक्शन आर देयर ऑन द वेबसाइट Hence can the focus of the अब, का क्या मतलब है? एक जो आप वेबसाइट देखते हो इस वेबसाइट में क्या होता है तो फुटर में क्या देखोगे बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पर आपको फुटर में बहुत सारे लिंक्स दिखाई देंगे वहीं पर हेडर में भी आप देखोगे तो हेडर में भी आपको बहुत सारे लिंक्स दिखाई देंगे तो अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करता है तो क्या होगा कि वो आपकी मल्टीपल सर्विस यहाँ पर लिस्टेड है एस की भी सर्विस लिस्ट है एस की सर्विस भी लिस्ट है तो अगर आप कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाओगे तो वो बड़ा आ, आ, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप कोई मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो तो एक सिंगल गोल फोकस नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपने एस से रिलेटेड मार्केटिंग कैंपेन चलाया और यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है इन दैट केस उसे एस के साथ हो सकता है वो एस की तरफ चला जाए ओ वाले पेज पे चला जाए गूगल एड्स का कोई पेज है तो उसके ऊपर चला जाए ईमेल मार्केटिंग का सर्विसेज का कोई पेज है तो उसके ऊपर चला जाए तो आप चाहते थे इस वक्त की आपने एक मार्केटिंग कैंपेन बनाया है एस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन यूजर जब आया तो इतनी सारी चीजें देखकर उसका जो फोकस है वो डायल्यूट हो गया और यहाँ पर इस पेज के ऊपर कोई एक्टिविटी ना करके वो यहाँ से सीधे एग्जिट कर गया मतलब वो इस से ही बाहर निकल गया आपकी वेबसाइट से ही बाहर निकल गया तो क्या होगा समझ किस तरीके से हम इसको सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर जनरली क्या होता है अगर आप सिंग, आपका मार्केटिंग कोई गोल है और यूजर को आप वेबसाइट के ऊपर ला रहे हो जहां पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं तो एट द एंड क्या होगा इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच में हो सकता है उसे जो कन्वर्जन करना है वो ना कर पाए राइट और कन्वेंसिंग पार्ट भी यहां पर कम होता है पर बहुत सारे कन्वेंसिंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं क्योंकि यहां पर इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट ज्यादा होता है हो, हो, हो। हो गया अब आते इस तरफ जो हमारा लैंडिंग पेज है लैंडिंग पेज के ऊपर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता अगर आप जाएं और बहुत सारे लैंडिंग पेज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं मतलब इस वीडियो के बाद आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि आप गूगल में जाएं और कोई भी जो है अगर आप जो है कीवर्ड टाइप करें राइट फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कुछ भी जैसे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस आपने कीवर्ड टाइप किया और आपको दिखाई देंगे वहां पर जो बहुत सारे सर एड्स होते हैं उनको आप देखें और उनके ऊपर क्लिक करके फिर आप जो उनके लैंडिंग पेज के ऊपर जाएंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि बहुत सारे हो सकता है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहे हो बहुत सारे हो सकता है कि उन्होंने स्टैंड अलोन जो है वेब पेज बनाया हो दैट इज बेसिकली लैंडिंग पेज बनाया हो लैंडिंग पेज में वहाँ पर आप क्या नोटिस करोगे कि वो आपको बहुत कम दिखेंगे जो ऊपर आप देखते हो हेडर में बहुत सारे जो लिंक्स हैं वो नहीं दिखेंगे हो सकता है हेडर ही ना हो फुटर ही ना हो ठीक है और उसके अंदर सारे कन्विंसिंग एलिमेंट्स होंगे बहुत तरीके के एलिमेंट्स होंगे कन्विंसिंग एलिमेंट्स होंगे ताकि आप जो है कन्विंस हो सके और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में उनके ज्वाइन कर सके अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप जो है उस कोर्स में ज्वाइन कर लें कोर्स को परचेज कर सके जो भी है जो भी जिस टाइप का भी उनका कोर्स है किस पर्पज के लिए जनरली लैंडिंग पेजेस यूज किए जाते हैं कैन बी यूज टू ग्रो योर ई मेल लिस्ट ईमेल लिस्ट को ग्रो करने के लिए हम लैंडिंग पेजेस को यूज करते हैं बेसिकली तो स्टैंड अलोन लैंडिंग पेजेस के ऊपर आप देखते हो गया स्टैंड अलोन वेब पेजेस के ऊपर आप देखते हो गए की एक वेब पेज है और साइड में आपको यहाँ पर जो है फॉर्म दिख रहा होता है कहीं पर भी आपको एक फॉर्म दिख रहा होता है तो इस लैंडिंग पेज का पर्पज क्या होता है कि आपकी ई मेल लिस्ट ग्रो हो सके ताकि बाद में आप उनको जो है ईमेल मार्केटिंग कर सको देन सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस हम कर सकते हैं इवेंट साइन अप कर सकते हैं और अगर थोड़े से और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एलिमेंट्स की बात करें जो लैंडिंग पेज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हो गए सिंगल गोल ठीक है सिंगल गोल होता है ऐसा नहीं है कि एक ही लैंडिंग पेज के थ्रू आप एस रहे हो एस की सर्विस भी दे रहे हो समो की सर्विस भी दे रहे हो गूगल एड्स की भी सर्विस दे रहे हो ठीक है और फेसबुक uh, एड्स की भी सर्विस दे रहे हो तो ये नहीं पॉसिबल है ठीक है एक लैंडिंग पेज जो है वो सिंगल गोल की तरफ इंक्लाइंड होता है देन बिग एंड वेरी क्लियर सीटी बहुत ही क्लियर सीटी होता है कोई कंफ्यूजन नहीं है ठीक है बाई नाउ मतलब बाई नाउ द कोर्स राइट देन सोशल प्रूफ होता है वहां पर मतलब टेस्ट वगैरह आप लगा सकते हो एंड इन द फॉर्म ऑफ वीडियो जिस भी फॉर्म में आपके पास टेस्ट वगैरह वो, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो चैट बॉट वगैरह आप यूज कर सकते हो मैसेंजर इंटीग्रेट कर सकते हो फेसबुक मैसेजर इंटीग्रेट कर सकते हो तो ये सारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि जो लैंडिंग पेज के ऊपर होते हैं और लैंडिंग पेज किस तरीके से अलग है वेबसाइट से तो अगर आपको अब अगर आपको कुछ इस टाइप से करना है जहां पर आपका मेन फोकस ये है कि मेरा एक सिंगल मार्केटिंग गोल है और मुझे उसको अचीव कराना है इन दैट केस आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए और उस लैंडिंग पेज के ऊपर आप ट्रैफिक ड्राइव करोगे तो वहां पर कन्वर्जन ज्यादा होने के चांसेज एंड द रीजन इज क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं है भाई बहुत सारा ट्रैफिक आया और एक ही पेज के ऊपर आ रहा है जहां पर हम वही सारी बात कर रहे हैं कन्वर्जन की वही सारी बात कर रहे हैं तो क्या होगा क्या हमारा फोकस जो जो भी विजिटर आ रहा है क्या उसका फोकस डाइवर्ट होगा या फोकस डाइल्यूट होगा फोकस डाइल्यूट नहीं होगा यहां पर फिर दो ही चीजें होंगी या तो कन्वर्जन करेगा या तो नहीं करेगा नहीं करेगा तो कोई बात नहीं हम रीमार्केटिंग कर लेंगे एड्स के थ्रू अगर करता है देन वेल एंड गुड यहां पर जो है फोकस डायल्यूट होगा इधर उधर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी फाइन या कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है दूसरे पेजेस में भी जा सकता है बहुत कुछ हो सकता है तो यहां पर अगर हमारा सिंगल मार्केटिंग गोल है देन हमको लैंडिंग पेजेस चाहिए ही चाहिए सो गाइज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट और लैंडिंग पेज में क्या डिफरेंस होते हैं और अगर आप अब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि हमें वेबसाइट की तरफ जाना चाहिए हमें लैंडिंग पेज की तरफ जाना चाहिए तो आई बिलीव आप इस चीज का सोल्यूशन निकाल लेंगे सो so गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट में टेल गुड बाय